फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही एक सिंपल सा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये डिश आप लोग ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं और स्नैक्स में भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले वेजिटेबल्स को कट करेंगे। वेजिटेबल्स आप लोगों को जो जो पसंद है वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले ऑनियन को कट कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा कैरेट लिया है। सारे वेजिटेबल्स को छोटे छोटे पीस में कट करना है। और दे रही हूँ कैप्सिकम। आप लोग यहाँ पे टोमेटो भी डाल सकते हैं, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर भी यूज कर सकते हैं। सारे वेजिटेबल्स यहाँ पे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। यहाँ पे लिया है थोड़ा सा बटर और चॉप्ड गार्लिक। अगर आप लोगों को गार्लिक का स्मेल पसंद नहीं है, सिर्फ बटर से भी कर सकते हैं। बटर के साथ गार्लिक को मिला लूंगी। अभी ब्रेड के ऊपर हम लोग बटर लगा लेंगे। दोनों साइड पे अच्छे से बटर को लगाना है। अभी दे रही हूँ ग्रेटेड चीज। चीज आप लोगों को जितना पसंद है उतना दे सकते हैं। सारे वेजिटेबल्स जो कट करके रखा था उसे दे देंगे। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं विदाउट चिली भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक दे रही हूँ और लास्ट में दे रही हूँ और थोड़ा सा चीज। तवा यहाँ पे गरम हो गया है। अभी ब्रेड को दे के कवर करके हम लोग चीज मेल्ट होने तक कुक करेंगे। गैस को हमें लो फ्लेम में रखना पड़ेगा। चीज यहाँ पे मेल्ट हो गया है और ब्रेड भी अच्छे से टोस्ट हो गया है। चीज चिली टोस्ट इज रेडी। अभी एक नाइफ की हेल्प से हम लोग इसे हाफ करके टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे। ब्रेकफास्ट में आप लोग बना सकते हैं और बच्चों के टिफिन में भी आप लोग दे सकते हैं चीज चिली टोस्ट। आज का वीडियो अगर पसंद आया है प्लीज लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।